वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th हिंदी मीडियम से सब्जेक्ट SST सोशल स्टडीज, जो सामाजिक अध्ययन है, पॉलिटिकल साइंस पार्ट, चैप्टर नंबर 2nd संघवाद, भाग नंबर 1। आज हम संघवाद जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिटिकल साइंस में, भाग नंबर 1 में आज का जो हमारा टॉपिक है वे है संघवाद क्या है। संघवाद क्या है, आज हम सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है संघवाद, तो उसको समझेंगे कि संघवाद है क्या, किसे कहते हैं संघवाद। इंग्लिश में इसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं, फेडरल से बना है फेडरलिज्म, फेडरल माने संघ और फेडरलिज्म माने होता है संघवाद। तो सबसे पहले जब हम हमारा चैप्टर को हम डिस्कशन कर रहे हैं संघवाद को, तो इससे पहले हम हमारा जो प्रीवियस जो चैप्टर है, जो पहले हमने चैप्टर जो अध्ययन किया था कि सत्ता की साझेदारी, इसी अभ्यास पुस्तिका का जो चैप्टर नंबर 1 था, जो चैप्टर नंबर 1 था सत्ता की साझेदारी, जिसके अंदर दो देशों की केस स्टडी का अध्ययन हमने किया, एक देश था बेल्जियम और दूसरा देश था श्रीलंका। आप उस चैप्टर को अध्ययन करके आप समझ चुके हो कि बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर दोनों में किस प्रकार का हमें अंतर देखने को मिलता है, कि किस प्रकार की वहां पर सिचुएशन थी। जैसे पिछले अध्याय में बेल्जियम और श्रीलंका का जो अध्ययन किया था उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि बेल्जियम ने क्या संघवाद का अपनाया या श्रीलंका ने संघवाद को अपनाया। तो स्पष्ट नजर आता है इसके अध्ययन करने के बाद कि बेल्जियम देश ने संघवाद की शासन व्यवस्था को अपनाया, जबकि श्रीलंका ने संघवाद की शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया था। जैसे अगर देखते हैं कि जैसे बेल्जियम के अंदर, जो बेल्जियम जो हमारा जो केस स्टडी का जो देश रहा है, बेल्जियम के अंदर पहले से ही पूरे देश के अंदर शासन व्यवस्था थी जिसको सामान्य सरकार के नाम से जाना जाता था, और दूसरी जो शासन व्यवस्था थी, जो प्रांतीय शासन व्यवस्था थी, उसमें बांट दिया गया था। लेकिन उस समय तक अर्थात 1993 से पहले 1993 तक बेल्जियम की जो सामान्य सरकार थी वे प्रांतीय सरकार को कोई संवैधानिक अधिकार प्रदान नहीं दिए थे, संवैधानिक अधिकार प्रदान नहीं करे थे। वे केवल जो ओरली हम कह सकते हैं कि मौखिक रूप से ही इसको कुछ अधिकार दिए गए थे, और जब चाहे तो जो सामान्य सरकार थी वे बेल्जियम की प्रांतीय सरकार से अधिकार वापस भी ले सकते थे, इसलिए वे संवैधानिक अधिकार नहीं थे। लेकिन 1993 में बेल्जियम की प्रांतीय सरकार को संवैधानिक अधिकार दे दिए गए, किसके द्वारा, कि वहां पर बेल्जियम के अंदर लगभग 4 बार अपने संविधान में संशोधन किया गया, और जो पहले बेल्जियम जो पूरे देश के अंदर जो सरकार थी जिसे हम सामान्य सरकार का नाम लेते हैं, उसने प्रांतीय सरकार को एक ओरली यानी मौखिक रूप से अधिकार प्रदान किए थे। लेकिन बेल्जियम के संविधान में परिवर्तन करने के बाद में 1993 में बेल्जियम की जो सामान्य सरकार थी वे बेल्जियम की प्रांतीय सरकार को संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिए। इससे क्या हुआ कि अब बेल्जियम की सामान्य सरकार बेल्जियम की प्रांतीय सरकार से कोई भी अधिकार वापस नहीं ले सकती, क्योंकि अब उसको संवैधानिक अधिकार प्रदान हो गए।
अब ये क्रांति सरकार एक तरह से स्वतंत्र सरकार हो गई, ये सामान्य सरकार के अधीन कोई भी काम नहीं करेगी। तो यही है संघवाद, कि संघवाद जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने कार्य करने में स्वतंत्र, प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं होगी, कि किसी प्रकार से वहां पर निर्भर नहीं होगी। अब बेल्जियम में एकात्म सरकार के स्थान पर, क्योंकि जब बेल्जियम में पहले एकात्म सरकार थी, अर्थात वहां जो सामान्य सरकार थी, सामान्य सरकार प्रांतीय सरकार को अधिकार दिए गए थे, लेकिन वे वापस भी ले सकती थी, लेकिन 1993 के बाद में अब वे अधिकार वापस नहीं ले सकती, इसलिए बेल्जियम में एकात्मक सरकार के स्थान पर संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया। तो इस जो चैप्टर नंबर 1 था उससे ही आपको संघीय शासन व्यवस्था का एक एग्जाम्पल देखने को आता है, और हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं कि संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार, केंद्र माने सेंटर, प्राधिकार माने अधिकार, केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। कहने का अर्थ क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था किसे कहेंगे, क्योंकि जो फेडरल बना है, जो यूनियन बना है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है, जो भारत देश एक संघीय देश है, क्योंकि जो भारत देश जो है सभी छोटे और बड़े सभी राज्यों को मिलाकर एक राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है, इसलिए हमारा जो भारत देश है उसमें बताया गया कि संघीय जो शासन व्यवस्था है वे सर्वोच्च सत्ता होती है जो केंद्र सरकार के प्राधिकार में होती है, लेकिन कि उसकी जो विभिन्न जो आनुषंगिक जो इकाइयां हैं, जो यूनिट्स हैं, वे यूनिट्स में वे बटा हुआ होता है। कहने का अर्थ यह है कि संघीय शासन व्यवस्था कैसी व्यवस्था होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि संघीय शासन व्यवस्था ये जैसे मान लीजिए कुछ क्षेत्र है और ये क्षेत्र इस प्रकार से ये बटा हुआ है, ये ए सेंटर है, ए बी और सी और डी। अब यहां पर जो ए है ये केंद्र सरकार का रूप है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, और बी सी और डी है जो यहां पर हमारी राज्य की सरकार या कहीं कहीं इसको प्रांतीय सरकार भी कहते हैं। तो ए व्यक्ति के हाथ में पूरे देश की पावर्स है और बी सी और डी के पास में इन राज्यों और प्रांतों की यानी कि पावर्स है, ये भी अपने कार्य करने में स्वतंत्र है, ए भी और बी और सी और डी भी अपने अपने कार्य में स्वतंत्र है। अर्थात संघीय शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जहां पर जो शक्ति है, शक्तियां बटी हुई होती हैं, जो पावर्स है वे पावर्स बटी हुई होती है किसके बीच में, वे देश के बीच में और देश के अंदर जो राज्य या हम उसको प्रांत कह सकते हैं, राज्य या जो प्रांत है प्रांत में भी पावर्स बटी हुई थी। तो संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य जो विशेषता है या हम संघीय संघवाद किसे कहेंगे, कि जहां पर जो सत्ता की जो साझेदारी है, जो पावर्स है, वे केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की जो आनुषंगिक जो इकाइयां हैं या हम कह सकते हैं कि यूनिट है, उसमें पावर्स जो है शक्तियां बराबर बराबर बटी हुई होती है, और राज्य सरकार भी अपनी शासन व्यवस्था को चलाने में स्वतंत्र होता है और केंद्र सरकार भी अपनी शासन व्यवस्था को चलाने में स्वतंत्र है। ये नहीं है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, क्यों, क्योंकि राज्य सरकार अपने राज्य में शासन व्यवस्था कर रही है तो वहां पर ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमारा भारत देश है और हमारा भारत देश में विभिन्न राज्य है, अगर आज वर्तमान में देखते हैं तो इंडिया के अंदर हमारे भारत देश में
एक जो है 8 यूनियन टेरिटरी जिसे हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश और 28 स्टेट्स यानी 28 राज्य हैं। तो ये जो भारत देश है इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जिसे हम कहते हैं भारत सरकार, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार है, वे पूरे देश की सरकार है, उसे पूरे देश की सरकार है, उसके पास में अपने राष्ट्रीय महत्व के कुछ विषय हैं जिसके क्षेत्राधिकार में रहकर वे अपनी शासन व्यवस्था को चलाती है, कानून का निर्माण करती है। उसी प्रकार से जो राज्य की सरकार है, जैसे मान लो गुजरात की सरकार, राजस्थान की सरकार, पंजाब की, हरियाणा की, वेस्ट बंगाल की, इसमें भी अलग अलग सरकार है। जो एक राज्य की सरकार है वहां के जो सीएम होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, वे अपने अपने राज्य में शासन व्यवस्था को चलाते हैं, उनका अपने एक राज्य में क्षेत्राधिकार होता है। यानी राजस्थान का जैसे मुख्यमंत्री हरियाणा के जो क्षेत्राधिकार में उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा, और जैसे पंजाब या हरियाणा का मुख्यमंत्री है वे राजस्थान के किसी भी कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्यों? उनका अपना अपना एक क्षेत्राधिकार बटा हुआ है। तो संघवाद जो शासन व्यवस्था है, संघवाद शासन व्यवस्था की सबसे मुख्य विशेषता यही है कि संघवाद उसे कहेंगे जहां जो शक्ति है, जो सत्ता की साझेदारी बटी हुई होती है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के अधीन जो उसकी अनुसंगी इकाइयां हैं, जिसके हम कहेंगे यूनिट है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सत्ता है जो बटी हुई होती है और दोनों स्वतंत्र होते हैं अपने अपने क्षेत्र अधिकार में कार्य करने के लिए। यही क्या है? संघवाद है। क्या है? संघवाद है। यह दो स्तर पर सरकार होती है। किसी स्तर पर, जैसे मैंने अभी बताया, इसके मुख्य दो स्तर होते हैं, दो स्तर पहुंच जाते हैं, एक दूसरे पूरे देश के लिए। जैसे अगर हम भारत देश में देखते हैं तो एक पूरे देश के लिए सरकार है जिसे हम कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम कहेंगे भारत सरकार। क्या कहेंगे? भारत सरकार। जो पूरे देश के लिए सरकार होती है उसको कहेंगे जैसे भारत सरकार। उसकी जिम्मेवारी है राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाना और उसके ऊपर उसको लागू कराना और देश का विकास करना। दूसरी है राज्य या प्रांतों की सरकार। कई बार इसको राज्य की सरकार कहते हैं और किसी स्थान में इसको प्रांतों की सरकार कहते हैं, जिसको हम स्टेट के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि भारत के अंदर वर्तमान में 28 राज्य हैं, प्रांतों की सरकार। पूरे देश की जो सरकार होती है वे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और राज्य और प्रांतों की सरकार है जो केवल अपने राज्य और प्रांतों में शासन व्यवस्था चलाती है। जैसे अभी मैंने बताया कि पंजाब की सरकार है तो पंजाब में शासन व्यवस्था चलाएगी, राजस्थान और तमिलनाडु की सरकार है तो राजस्थान की जो क्षेत्राधिकार है, राजस्थान की जो बाउंड्री है उस तक ही राजस्थान की सरकार सीमित होगी, और तमिलनाडु की जो सरकार है वे तमिलनाडु की जो बाउंड्री है, जो उसकी भौगोलिक दृष्टि से है, जिसका जुरिडिक्शन है, उसमें ही अपने कानून का लागू कराएगी और उसी राज्य के लिए कोई भी योजनाएं लागू करेगी। दोनों स्तर की सरकार अपने अपने क्षेत्र में कैसे होती है? स्वतंत्र होती है। ये सरकार स्वतंत्र होती है, ये नहीं है यहाँ पर कि जो राज्य सरकार है वे कमजोर सरकार है या केंद्र सरकार शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके जो विषय है वे विषय को हमने बांट दिया गया है, इसका जुरिडिक्शन जो है क्षेत्र अधिकार भी बांट दिया है कि जो देश की सरकार है वे भारत सरकार के नाम से, और राज्य और प्रांत की सरकार है उस राज्य और प्रांत के नाम से जानी जाएगी। तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र सरकार होगी, राज्य सरकार ये नहीं कि केंद्र सरकार के अधीन होगी, वे अपना स्वयं का निर्णय ले सकती है। संघीय सरकार एकात्म सरकार के ठीक विपरीत है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एकात्म जो सरकार है वे बिल्कुल संघीय शासन के बिल्कुल विपरीत होती है। जैसे अगर हम चैप्टर नंबर 1 में इसी अभ्यास पुस्तिका का सत्ता की साझेदारी में देखते हैं तो श्रीलंका जो हमारा देश था, श्रीलंका देश में एकात्मक सरकार शासन व्यवस्था के लक्षण नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सियानेली और जो तमिल
जो भाषा यादव थे तो पूरी पावर्स केवल सिनाली भाषा के लोगों के पास थी, तमिल लोगों के पास में नहीं, केवल सिनाला के पास में थी। इसलिए हम वहां कह सकते हैं कि श्रीलंका में एकात्मक सरकार थी, जबकि बेल्जियम में ऐसा नहीं था, क्योंकि बेल्जियम से अपनी पावर्स को बांट दी गई थी, क्योंकि वहां पर पावर्स डच भाषा बोलने वालों में भी थी और फ्रेंच भाषा बोलने वालों में, और एक सामुदायिक सरकार बनी थी जो जर्मन लोगों के में भी थी। तो इसलिए बेल्जियम में सत्ता को इनके बांट दी गई। तो संघीय सरकार एकात्मक सरकार के ठीक विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि एकात्मक सरकार के अंदर जो एकात्मक सरकार होती है, उस एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर की सरकार होती है। कितने स्तर की? उसमें एक स्तर होता है, जबकि संघीय शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में एक स्तर होता है और बाकी जो इकाई है, बाकी जो छोटी छोटी इसकी अनुसंग इकाई है, वे जो केंद्र सरकार या जो एक सरकार है उसके अधीन होकर काम करती है, उसके अधीन होकर काम करती है। तो भारत देश में ऐसी शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है जैसे श्रीलंका के अंदर है। तो एकात्मक सरकार में शासन का जो स्तर होता है वे एक होता है, और जो छोटी छोटी जो यूनिट होती है, जो अन्य जो उसकी आनुषंगिक जो इकाई है, वे एक शासन व्यवस्था के अधीन होती है, उसके अनुसार ही कार्य करती है और उसके अनुसार ही उत्तरदायी होगी। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकार होती है, वे स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, अपने अपने क्षेत्र अधिकार में स्वतंत्र रूप से कार्य करने करती है, और राज्य सरकार या प्रांत सरकार केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यही है संघवाद, इसे ही हम संघवाद कहते हैं। और आगे हम दूसरी वीडियो पढ़ेंगे कि संघवाद की क्या क्या विशेषता है, किसे कहेंगे हम संघवाद, तो उसके अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संघवाद की विशेषता है, तब आपके और अधिक क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यही केवल आपका कि संघवाद किसे कहते हैं आप समझ गोगे। फिर भी अगर कोई आपकी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।